हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आज की इस वीडियो में। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के सभी अंकित प्रश्नों को, जो हमारे दर्पण पर आधारित प्रश्न है। उन प्रश्नों को हल करेंगे और एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। दर्पण द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लिखेंगे हल। इनमें कुछ करना नहीं, बस एक छोटी सी परिभाषा लिखनी है। लिखेंगे परिभाषा, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। इसलिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। इसमें बस इतना ही समझना रहता है, इतना ही लिखने पर आपको फुल नंबर मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा अगला प्रश्न है, एक बच्चे की लंबाई 130 सेंटीमीटर है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। इसमें हमें पूछा समतल दर्पण की आवश्यकता होगी, कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो इसमें हमारा एक सूत्र लगेगा, छोटा सा सूत्र। इसमें लगेगा सूत्र, लिखेंगे हल, और इसमें सूत्र लगेगा बच्चे की समतल दर्पण से दूरी। नहीं, ये नहीं लगेगा। हमारा इसमें सूत्र लगेगा समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई। इसमें हमारा सूत्र लगेगा समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई। न्यूनतम ऊंचाई बराबर व्यक्ति की ऊंचाई या बच्चे की ऊंचाई, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हमारा इसमें बच्चे दिया है तो हम लोग बच्चे ही लिखेंगे बच्चे की ऊंचाई बटे टू। तो हमें बच्चे की ऊंचाई कितनी दी गई, 130 सेंटीमीटर। अभी से हम दो से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 65 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिखेंगे समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई न्यूनतम ऊंचाई 65 सेंटीमीटर होगी, मीटर है। आशा है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न, एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है, यदि व्यक्ति का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनता है तो व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें हमारा ऐसा ही सूत्र लगेगा, इसमें लगेगा हमारा व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी बराबर, लिखेंगे व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी बराबर, व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे टू, व्यक्ति के प्रतिबिंब की दूरी बटे टू। यहाँ पर हम सिंपल प्रतिबिंब लिखेंगे, प्रतिबिंब की दूरी बटे दो। हमें प्रतिबिंब की दूरी कितना दी गई है, 50 सेंटीमीटर। तो हमें लिखेंगे 50 सेंटीमीटर बराबर लगा के हम दो से इसे भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25 सेंटीमीटर
हम यहाँ पर अब लिख सकते हैं, व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी सेंटीमीटर है। यही आपका प्रथम आंसर हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रहा है, मनुष्य को अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता प्रतीत होगा। इसमें हम लिखेंगे हल। यह भी वैसे ऐसा बहुत हल्का क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन बहुत हल्के हैं, इन्हें बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन पेपर में आते नहीं, बस ऐसे हम लोग हल कर सकते हैं। बाय चांस अचानक आ ही गए तो हमें पता रहेगा तो हम हल कर लेंगे। तो हमें इसमें बस एक छोटा सा परिभाषा लिख दे रहा है कि लिखेंगे मनुष्य को अपना प्रतिबिंब दो गुने वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। मनुष्य को अपना प्रतिबिंब दो गुने आकार से आता प्रतीत होगा, दो गुने वेग से आता प्रतीत होगा, आता प्रतीत होगा। अर्थात यहाँ लिखेंगे अर्थात 10 × 2 = 20 मीटर पर सेकंड के वेग से। ये हो गया आपका प्रथम आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसे हम बहुत अच्छे से हल करेंगे और इसे समझेंगे। लिखेंगे हल। 40 इसमें हमें दिया 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। हमें वक्रता त्रिज्या आर बराबर कितना दिया गया है? 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम सीएम लिख सकते हैं, सेंटीमीटर। और हमें इसमें कहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं? यफ से। तो यफ हमें ज्ञात करना है। अब इसमें हम सूत्र लगाएंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी बराबर लिखेंगे वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस दूरी को लिखते हैं यफ से। तो हमारा हो जाएगा यफ बराबर, ये हो गया आर बाई टू। तो यहाँ सूत्र में कुछ नहीं करेंगे हम, इसे अवतल दर्पण में कोई भी चीज़ को माइनस में ले जाता है। तो हमें 40 को हम क्या लेंगे? माइनस 40 से इसे कट देंगे तो हमारा आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये आपका प्रमुख आंसर होगा। आप लिख भी सकते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा अगला प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इसमें उत्तल दर्पण की पूछा है तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें घुमाकर पूछा गया है, इसमें फोकस दूरी दी गई है, वक्रता त्रिज्या पूछा गया है। यह भी उसे जैसा लगेगा, इसमें हमें फोकस दूरी कितना दी गई? फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं तो यह बराबर हमारा दिया गया 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को सीएम से लिख सकते हैं। इसमें हमें क्या पूछा है? वक्रता त्रिज्या, हमें आर पूछा गया है। आर पूछा गया तो इसमें हमारा सूत्र वही सूत्र लगेगा, वैसे घुमा कर लिखेंगे तो हमारा सूत्र होता है यह बराबर आर बाई टू। तो इसकी एफ के नीचे कोई नहीं तो एक लिख कर कैंची गुड़ा करेंगे तो हमारा हो जाएगा आर बराबर 2f। तो हमारा आर का मान निकल आएगा 2। हम लिखेंगे हमें फोकस दूरी कितना दी गई? 15 सेंटीमीटर। यहाँ 15 लिखेंगे बराबर हमारा आ जाएगा 30
सेंटीमीटर यहाँ लिख सकते हैं, हम इतने से छोड़ना है, आप लोग लिख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न को हम अगली वीडियो में हल करेंगे। आशा है मुझे आपको हमारे बताए गए प्रश्न समझ में आए होंगे। धन्यवाद।